नमस्कार, पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट डोसा, जो कि हम पिज्जा स्टाइल में बनाएंगे और यह फेमस स्ट्रीट फूड है। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और झटपट बन के तैयार हो जाता है। यदि आपके घर में कभी गेस्ट आ जाए या बच्चों को कोई स्पेशल भूख लगी हो, उस समय यह डोसा बना करके आप खिलाएंगे तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए इंस्टेंट डोसा बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए हमने एक कप रवा लिया है। ये वही रवा है जिससे आप उपमा बना करके तैयार करते हैं। आपके पास यदि महीन रवा हो तो वो भी ले सकते हैं, उससे भी ये डोसा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। अभी इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हम 2 टेबल स्पून मैदा डाल देंगे। आप चाहे तो आटा भी डाल सकते हैं, हम इसमें मैदा डाल रहे हैं। अभी इसमें हम 3/4 कप दही डाल देते हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं। 1/4 कप ही इसमें हम पानी डाल देते हैं और इन सभी को अभी हम ढक्कन लगा करके पीस लेंगे। अभी पूरे बैटर को हमने निकाल दिया है। अभी इसे 15 मिनट के लिए हम ढक्कन लगा करके रख देंगे, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी। डोसा बैटर को रखे हुए 15 मिनट हो गया है। अभी इसको वापस चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं सूजी अच्छी फूल गई है और बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसको एक बार अच्छे से हिला देते हैं। अभी इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि डोसा का बैटर इतना गाढ़ा नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून पानी डालते हैं और इसको हिलाते हैं एक बार। इसमें पानी बाद में जब डालें आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, जिससे आपको मालूम रहे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखने का है। जैसे डोसा की कंसिस्टेंसी होती है उसी तरह की हमारे को इसके रखने का है। 1 टेबल स्पून पानी हम और डाल रहे हैं इसमें। आप कभी भी इसमें पानी एक साथ में नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें जब से आपको मालूम रहे। और सूजी है हमेशा पानी लेती है, थोड़ा रख देते हैं सूजी को तो उसके बाद में फूल जाती है, तो पानी थोड़ा डालना ही पड़ता है। इसीलिए पहले आप ज़्यादा पानी नहीं डालें, जैसे हमने पहले पानी कम डाला था उसी तरह का आप थोड़ा कम पानी डाल के बनाएं। फिर आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे पानी डाल सकते हैं, पर कभी भी गीला हो गया तो पानी निकाल नहीं सकते। तो आप देख पा रहे हैं अभी की कंसिस्टेंसी थोड़ी भी इसकी झाड़ी है अभी तक। 1 टेबल स्पून हम और पानी डाल देते हैं। कुल मिला के हमने 3 टेबल स्पून पानी और डाल दिया। अब ये डोसे की तरह बैटर बन के तैयार हो गया है। जैसे डोसा का घोल होता है उसी तरह का घोल बन के तैयार हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देख पा रहे हैं अच्छा एकदम से घोल बन के तैयार हो गया। अभी इसमें हम 1/4 चम्मच मीठा सोडा डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से हिला देंगे। मीठा सोडा डालने से बैटर हमारा अच्छे से फूल जाता है। आप देख पा रहे हैं बैटर अच्छे से फूल गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी हो गई, फ्लोइंग है। इसी तरह का हमारे को डोसे के लिए चाहिए। अभी हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। डोसा बनाने के लिए तवा हमने गैस पर रख दिया है। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं और तवे के ऊपर थोड़ा सा हम तेल डाल देते हैं। ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, थोड़ा सा तेल डाल करके इस तेल को पूरे तवे पर फैला देते हैं। आप देख पा रहे हैं पूरे तवे पर हमने तेल को फैला दिया है। तवे को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ज़्यादा गर्म करेंगे तो आपका डोसा उधर चिपक जाएगा और ज़्यादा फैलेगा नहीं फिर, इसलिए तवे को मीडियम गर्म ही रखना है। अब अभी हल्का सा गर्म हो गया है, मीडियम गर्म, और अभी थोड़ा धीरे कर देते हैं गैस को। फिर उसके बाद में मीडियम और स्लो के बीच में कर देंगे और फिर डोसे का बैटर इसके ऊपर डालेंगे इस तरह से, और इस तरह से घुमा करके अच्छे से सब जगह फैला देंगे। आप देख पा रहे हैं सब जगह अच्छे से हमने फैला दिया है। इसको स्लो और मीडियम के बीच में हम पकाएंगे और धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा जैसे जैसे पकेगा। आप देख रहे हैं इधर से पकने लग गया है, इसका कलर चेंज होने लग गया है, इधर से भी धीरे धीरे कलर चेंज होने लग जाएगा। साइड में आप चाहे तो थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं या बटर चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, जिस साइड से भी अच्छे से पक जाता है। अभी आप देख पा रहे हैं ये बीच में से पूरा इसका कलर चेंज हो गया है, साइड में से भी धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लग गया है। नहीं तो आप इसके ऊपर हल्का सा हाथ लगा कर भी देख सकते हैं ये सूखा लगने लग जाता है। साइड में अभी तक सूखा नहीं लग रहा है, ये साइड में अभी तक गीला लग रहा है। अभी धीरे धीरे साइड में भी सूखा लगने लग गया है।
सबसे पहले हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा देते हैं। पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी हमारे पापा मम्मी किचन पर अवेलेबल है। आप इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस सब जगह फैला दें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो आप पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर लगा सकते हैं। अभी इसके ऊपर दूसरी टॉपिंग्स लगा देते हैं। अब थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्ची इसके ऊपर डाल देते हैं। शिमला मिर्ची को आप कभी भी छोटा छोटा काट के डालें इसमें। इसी तरह से हमने प्याज को भी छोटा छोटा काट दिया है। थोड़े से कॉर्न भी इसके ऊपर डाल दें। आपके पास मशरूम वगैरह होता है मशरूम भी डाल सकते हैं इसमें, मशरूम भी इसमें अच्छे लगते हैं। अभी इसके ऊपर थोड़े हम ऑलिव डाल देते हैं। ये ऑलिव अगर ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डालें, नहीं हो तो नहीं डालें। इसके अंदर जो भी आपको सब्जियाँ भी यदि कोई पसंद होता वो भी डाल सकते हैं। जैसे हमारे घर में सबको इसके साथ में गाजर खाना पसंद है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा गाजर डाल देते हैं। थोड़ा कद्दूकस करके हमने गाजर रखा है। वैसे पिज़्ज़ा में गाजर नहीं डाला जाता है, तो पिज़्ज़ा डोसा जब बनाते हैं तो उसके अंदर आप चाहे तो गाजर डाल सकते हैं। अभी इसके ऊपर हम चीज़ डाल देते हैं। सबसे लास्ट में इसके ऊपर हम चीज़ डाल देते हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ी देर ढक्कन लगा करके हम इसको पका लेंगे। अभी ढक्कन को निकाल के देख लेते हैं। देखिए सारी चीज़ पिघल गई है और डोसा हमारा बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। अभी इसे हम निकाल लेंगे। देखिए इजीली निकल जाता है, ये अच्छे से पक गया है। पूरा एक प्लेट के अंदर हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पिज़्ज़ा डोसा बना करके तैयार कर लिए हैं। अभी इसके ऊपर सर्व करने के टाइम पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल सकते हैं। तो इस तरह से पिज़्ज़ा सीजनिंग आप डाल सकते हैं। इनको हमने अलग अलग स्टाइल से काटा है। इसको हमने ट्रायंगल स्टाइल में काटा है, जैसे रेगुलर पिज़्ज़ा होता है उसी तरह से हमने इसको काटा है। इसको हमने मुंबई स्टाइल में काटा है। तो आप इस तरह से गोल करके इसे सर्व कर सकते हैं। इस तरह से गोल करके आप सर्व कर सकते हैं। मुंबई में इसी तरह से सर्व किया जाता है। आप देख सकते हैं दिखने में कितना सुंदर लग रहे हैं, और इसका टेस्ट भी पिज़्ज़ा के जैसे ही आया, लगता ही नहीं है डोसा है। बनने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। सब्जियाँ आपके पास कटी हुई होगी तो आप 5 मिनट में ही डोसा बना करके सर्व कर सकते हैं। यदि आपको क्रिस्पी डोसा खाना पसंद है तो आप इसे बना करके गरम गरम ही खाएं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह के अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।